आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। SSC की तरफ से बड़ी खबर है जो कि एग्ज़ाम डेट को है, चाहे वो CHSL 2019 का, SSCG 2019 का, स्टेनोग्राफर 19 के, उसके साथ साथ में CHSL के स्किल टेस्ट जो 2018 की वैकेंसी थी उसका रिटर्न हो चुका था, स्किल टेस्ट होना था, उन सभी को एग्ज़ाम डेट के ऑफिशियल नोटिस के साथ में बातचीत करेंगे। चलिए चलते हैं SSC के ऑफिशियल नोटिस पे। SSC ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लॉकडाउन एक्सटेंशन नोटिस को ध्यान में रखते हुए यह रिव्यू और नोटिस जारी किया है। इसमें इन्होंने बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो नेक्स्ट एक्सटेंशन डेट है लॉकडाउन को 17 मई तक है जिसमें 150 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा जो रेड जोन में हैं और उनके टॉप सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद तमाम को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिए हैं, क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है, वहाँ पे ट्रेवलिंग और तमाम चीज़ें रजिस्ट्रेशन से है, इसलिए जो है कि ट्रेवलिंग रजिस्ट्रेशन है, इसलिए अभी एग्ज़ाम नहीं करा सकते, इसे यहाँ पर दिया गया है दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जो नोटिस दी गई है, फैसला लिया गया है, पहले नोटिस देने थे 2FA शेड्यूल ऑफ कंडक्ट एग्जाम ऑफ द कम्बाइंड हायर एग्जामिनेशन जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिक क्वालिटी सर्वे एग्जाम 2019, स्टेनोग्राफर 2019, स्किल टेस्ट फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन 2018, इन सभी के एग्जाम आफ्टर लॉकडाउन के बाद ही इसको फॉलो किया जाएगा, जब इसका रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेवल की कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब आने जाने की पूरा आगमन सुविधा होगी। सेकेंड दिया गया, डेट ऑफ नोटिस एग्जामिनेशन विल बी एटलीस्ट 1 मंथ इन एडवांस फॉर कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट को बिल्कुल टेंशन नहीं जरूरत नहीं कि वो पहले से सतर्क है कि बच्चों के एग्ज़ाम होने से 1 मंथ पहले ही नोटिस आ जाएगी। जो एनुअल कैलेंडर है उसमें पहले से डेट दिए गए हैं उन सबको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है उसको भी एनुअल कैलेंडर जारी करेगी उसी के रिव्यू में ध्यान में रखते हुए। फ्रेश डेट ऑफ पेंडिंग रिजल्ट्स अनाउंस ओनली आफ्टर लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शन एज इवैल्यूएशन वर्क हैज़ बीन हेल्ड अप ड्यू टू कोविड-19। इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है उसको भी पब्लिश नहीं कर पा रहे क्योंकि उसे इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना है, वो अभी कोविड की वजह से रुका हुआ है। कमीशन विल बी रिव्यू द सिचुएशन ओनली आफ्टर 18 मई। इसका मतलब है जैसे ही लॉकडाउन उस तरीके से इस नोटिस के बाद 18 मई को नेक्स्ट रिव्यू के बाद नोटिस आएगी। अधिक जानकारी के लिए कैंडिडेट SSC के रेगुलर वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसमें टोटल अगर हम देखें तो 4 चीज़ों पे ज़्यादा दिया हुआ है। एक, आने वाले एग्जाम्स के बारे में दिया हुआ है। सेकेंड, स्किल टेस्ट कंबाइंड हायर सेकेंडरी क्या है, उसके साथ साथ में अगर कोई भी एग्ज़ाम डेट आएगी तो सबसे पहले 1 महीने पहले प्रिपेयर किया जाएगा, इसलिए बच्चों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। थर्ड जो है एनुअल कैलेंडर के बारे में आएगा, और जो फ्रेश डेट है, जो पेंडिंग रिजल्ट हैं, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके पेंडिंग रिजल्ट की डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी 18 मई को, सिचुएशन को रिव्यू देखते हुए न्यू डेट आएगी।